जिसको बोलते हैं ना लड़ी में पिरोना, लड़ी में पिरोना, तो फिर वो बड़ा अच्छा लगता है। फिर से एक न्यू वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं गोलकोंडा फोर्ट में। और ये गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के अंदर है, बहुत ही खूबसूरत है और दिन और मौसम भी बहुत ही झकास है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा गोलकोंडा फोर्ट के बारे में देख करके और इसके बारे में जान करके, और यहाँ पर जो टूरिस्ट आए हुए हैं उनको भी देख करके आपको अच्छा लगेगा। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा ये वीडियो बहुत ही अच्छा बने ताकि आप इसे इंजॉय कर सकें और मैं आपको डे को हैप्पी और खुश बना सकूं और आपके चेहरे के ऊपर हम स्माइल ला सकें। इस उम्मीद के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहें। टिकट लेना पड़ रहा है इसके लिए, 25 रुपये लिया है ये कैमरा का टिकट। अच्छा, और 25 रुपया इसमें क्या चीज़ बताएंगे? तो अंदर पे नक्शा रहता है, स्टूडियो था, अंदर क्या क्या पूरा पता लगेगा। देखो तो कुछ करके मुफीद है। अच्छा मैं अच्छा जरा राइट से जाके लेफ्ट से आना, 1.5 घंटा लगता है इधर से जा करके ऊपर से। 20 रुपये खाली इधर से जाना या इधर से? ऐसा जाके ऐसा आना, ये रानी का महल देख के आने का। ये है रानी का महल जी, नीचे में ये इसमें होगा ना? हाँ। कितने का? 20 रुपये खाली दे दो। और भी कुछ है? ये सब क्या चीज़ है? हैदराबाद के बारे में 30 रुपये का हैदराबाद गाइड। हैदराबाद गाइड 30 रुपये, इसको देखो तो खुल के क्या है इसमें? सिटी घूमने का बुक है मेरा। इंग्लिश में है ना? हिंदी में है वो। इंग्लिश वाला नहीं? इंग्लिश वाला नहीं। अरे पूरा फोटो रख लो, 20 रुपये के 10। नहीं फोटो नहीं चाहिए, बुक देखो। देखाइए किया था ये? हिंदी में। हिंदी में था, इंग्लिश में नहीं। फोटो में क्या क्या चीज़ है? पूरा हैदराबाद घूमने का फोटो है। कितने जगहों की फोटो है सर? पूरे हैदराबाद में क्या क्या देख रहे हैं? पूरे चार मीनार, चार मीनार का हो गया, ये हो गया असेंबली हॉल हैदराबाद। अच्छा असेंबली हॉल, चलो आगे। ठीक है ये भी ठीक है। पीछे नाम रहेगा पूरा लिखा, ये तो है, ये दे दो आप। ठीक है दे दो। हाँ और वो हैदराबाद वाले अगर इंग्लिश में होता तो वो दे देते। इंग्लिश में नहीं था, हिंदी में। हिंदी में रहता है? हिंदी यहाँ लोग जानते कहाँ के हिंदी में? लोग जानते हिंदी लोग कहाँ? बिल्कुल नहीं जानते हिंदी, या तो तेलुगु जानते या फिर इंग्लिश जानते। नहीं हिंदी नहीं। चल पैसे दे चुका हूँ। थैंक यू। ये है पूरा गोलकुंडा फोर्ट का नक्शा, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। इधर से शुरू करें हम लोग? इधर से शुरू करें? नहीं ये यहाँ से या यहाँ से? रूल फॉलो जरूरी है। और दिखाओ इसमें क्या चीज़ है। ओ बहुत बढ़िया भाई, आप ही टिकट लेते हैं ना? ये ले चुके हैं अब। ये पढ़ने में ठीक है, बताने में हम लोग हैं। अच्छा ले के बारे कितना लेते हैं सर? अभी इसमें दो तीन चीज़ आपको यहाँ इधर में तीन चीज़ आप फ्री बता रहे हैं देखो। हाँ नहीं आप ये बताइए ना, वो पहले कितना चार्ज करेंगे आप? ये फुल टूर करेंगे, हाफ टूर करेंगे? फुल का कितना, हाफ का क्या? पूरा फुल टूर का 750 है। 750 हाफ टूर के लिए पैर लेंगे। हाफ का आप कितना लेंगे? आप क्या क्या चीज़ बता देंगे, कहाँ तक जा करके? हाफ टूर करेंगे तो इसके बिल्डिंग के पीछे पूरा राजमहल है, 1.5 किलोमीटर का एरिया है, 24 किले से नीचे बताने के। ठीक है फुल टूर करेंगे तो बिल्डिंग पे जाएंगे तो ऊपर में देखने के लिए 5 चीज़ें हैं। उसके लिए 360 सीढ़ी चढ़ना है, 360 सीढ़ी नीचे उतरने का। हसीब क्या चीज़ लोगे? बताओ भाई इसमें क्या समझ आ रहा है? ये जो बोर्ड रखा है वो यहाँ से जाने के लिए, ठीक है यहाँ से हमको इस तरह से जाना है और इसमें नगीना गार्डन यहाँ पे है। चलो पहले नगीना गार्डन देखते हैं। यहाँ पे ये कहना है कि आप जैसे ही आएंगे अंदर गोलकोंडा फोर्ट के अंदर, आपको यहाँ पर टूरिस्ट गाइड मिलेंगे जो काफ़ी चार्ज करते हैं। मतलब ये फुल टाइम का अगर आप ले रहे तो वो कह रहे हैं कि 700 रुपीज़, अगर हाफ़ का ले रहे हो तो थोड़ा मोड़ा नीचे वगैरह के अंदर बता देंगे आपको, और वो 500 लेंगे जो मुझसे आखिर में आकर के आप बार्गेनिंग कर सकते हैं उनसे। बहुत ज़्यादा ज़िद करेंगे जी गाइड से तो पूरा बता नहीं
तो मेरे ख्याल से असल में इसके अंदर ज़्यादा चीज़ जानकारी नहीं, अगर हिस्टोरिकल प्लेस पे अगर आप जा रहे हैं तो गार्ड की भी क्या बोल के आप जो है ले सकते हैं, अगर आपको सहूलत है पैसे वगैरह तो आप आराम से ले सकते हैं, अगर नहीं है तो मेरे ख्याल से उतना खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। नेट वगैरह पे थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ लीजिए, बाकी तो सब खंडरात है वो आपको देखने से मिलेगा। अलबत्ता यहाँ के थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री हम बता दे रहे हैं, हंसी बताएगा नहीं पता मुझे, अरे बताओ यार। नहीं सही में हसीब से पूछते हैं, इसकी हिस्ट्री के बारे में हसीब का कहना है कि कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर बनाया गया है ना, 16वीं सदी में कुतुब शाह के द्वारा में संसद कुतुब डायनेस्टी के। तो इसके बारे में यह है कि कितना है, 17वीं सदी 1580 यानी 16 ईस्वी में है ना, 16 ईस्वी के अंदर जो है बहमनी सल्तनत जो था वो तकरीबन 5 हिस्सों में तकसीम हो गया था, उसी में से एक था कुतुब डायनेस्टी यानी कुतुब फैमिली जो थे उनका किला जो है ये बना था और उनका दारुल सल्तनत ये बना था, यहीं से वो हुकूमत करते थे गोलकुंडा के ऊपर। तो इस पैलेस को तारामती पैलेस कहा जाता है, इस एरिया को क्या चीज़ कहा जाता है, तारामती पैलेस जिसको ये बनाए हुए हैं कुली कुतुब शाह। हसीब जो है ये बुक देख देख के बता। अच्छा कॉन्फिडेंस के साथ हसीब यहाँ पे गोलकुंडा फोर्ट को देखते हुए एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, सब चीज़ बता भी रहे हैं और इंजॉय भी कर रहे हैं, मुझे खुद नहीं सही से पता है। जैसा कि लोग फोटो खिंचा रहे हैं बहुत ही खुश है, इस तरफ जाओ। इस तरफ आना था, अच्छा उधर ही जाना, चल चल। फुल कोशिश कर रहे कि वीडियो आज का अच्छा बने और आप इसे एंजॉय कर सकें, उसी कोशिश में लगे हुए हैं। लिटरली यहाँ पे एक तो जगह भी बहुत अच्छी है, मौसम भी आज का बहुत ही बढ़िया है और दूसरी चीज़ ये कि टूरिस्ट भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं कुछ उनके बाकियात हथियार वगैरह है जो अपनी सल्तनत को बचाने के लिए उस वक़्त दुश्मनों के ख़िलाफ़ वो यूज़ किया करते थे। तो वो यहाँ
1, 2, 3, 4 और लोग इनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है। आ जाओ, थक जा रहे यार, इसको चढ़ते रहते। यहाँ से आपको यह खूबसूरत व्यू दिखाते हैं, दुनिया और भी बहुत ही खूबसूरत, पूरा किला का एंजॉय आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। यहाँ तो हिंदी लेके आ, ये क्यों नीचे जा रहा है? ये क्लीन कर रहा हूँ और हाथ से रहा हूँ। फाइनली उस हिस्से पे आ गए हैं जो कि सबसे टॉप पे है और वो सिर्फ इसको कवर करना रह गया है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, क्योंकि ऊपर आने के बाद लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। बहुत से वो लोग होते हैं जो खाने पीने की चीज़ें अपने साथ नहीं ला पाते हैं या फिर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं ला पाते, उनके लिए कुछ इंतज़ाम यहाँ पे है। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं भाई साहब, कॉफ़ी वगैरह है, टी है, कॉफ़ी दो भी है। हाँ टी देखिए कैसे दे रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा इंतज़ाम कर रखे हैं यहाँ पे। अगर आपका थक जा रहे हैं तो आप रेस्ट भी ले सकते हैं, कुछ खाने पीने की चीज़ें। भाई साहब दो दे दिए ठीक है। ये हमारे कैमरा मैन हसीब के लिए है। बारिश हो रही है फाइनली, बारिश का मज़ा ले रहा है। टॉप पॉइंट पे बहुत ही मशक्कत के बाद और बारिश भी होने लगी, देख रहे हैं गोल को पूरा कर लेते हैं ना, जो खुशी होती है ना बिल्कुल वैसी हो। यहाँ से पूरे किले का सीन खूबसूरत दिखाओ, बहुत ही खुशी आ रही है जेट चलिए यहाँ पे आने के बाद, और सारे लोग यहीं पर आते हैं। यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, लोग साफ कर रहे हैं। ये नहीं काटनी चाहिए क्यों? नहीं वो बड़ा बड़ा हो जाता है ना, देखो ना किस तरीके से लग रहा है, जंगल भी तो हो जा रहा है। तो जंगल ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, लोग सागर क्या